बच्चों, मैं नेहा सर नवभारती परिवार में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में सहायक चिन्हों के बारे में। मैंने आपको स्वर पढ़ा दिया, व्यंजन पढ़ा दिया, लेकिन स्वर और व्यंजन के अलावा कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं जो ना तो स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं, तो आइए उनके बारे में जानते हैं। हिंदी के अंदर 5 सहायक चिन्ह होते हैं, कौन कौन से हैं? अनुस्वार, चंद्रबिंदु, विसर्ग, हलंत और नुक्ता। देखो बच्चों, ये क्या होते हैं, जो अनुस्वार होता है उसे ऐसे लिखा जाता है, यानी स्वर के साथ में लगता है और बिंदी का कार्य करता है वो पर। चंद्रबिंदु इस तरीके से लिखा जाता है, विसर्ग इस तरीके से लिखा जाता है, हलंत कोई भी वर्ण होता है उस वर्ण के नीचे इस तरह की लाइन बनाई जाती है, जैसे क आधा है तो ये क के नीचे ये हलंत लगाया जाता है, इससे पता पड़ता है कि ये आधा है। नुक्ता, जैसे कोई भी वर्ण है उस वर्ण के नीचे ये बिंदी लगाई जाती है, इसे नुक्ता कहा जाता है। ठीक है, ये ज का स्वर नहीं दे रहा है, अब ये किसका किसका इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, ये ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 सहायक क्रियाएं होती है हिंदी के अंदर। जैसे आप अंग्रेजी भाषा में हेल्पिंग वर्ब्स यूज में लेते हो, इज एम आर, वॉज, वर, हैज, हैव, ऐसे ही हिंदी भाषा के अंदर कुछ सहायक चिन्ह होते हैं जो ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उन्हें सहायक चिन्ह कहते हैं। और ये 5 होते हैं, कौन कौन से, अनुस्वार, चंद्रबिंदु, विसर्ग, हलंत और नुक्ता। इसमें से चंद्रबिंदु और विसर्ग जो होता है इन्हें अयोग वाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, अयोग वाह कहलाया जाता है। विसर्ग का जो उच्चारण होता है वो ह जैसा होता है, और ये अधिकतर किस में काम में लिया जाता है, संस्कृत भाषा के शब्दों में इसे काम में लिया जाता है। जैसे तत्सम शब्द जितने भी हैं, जैसे दुख, अंतः, प्रातः, तो ये सब प्रायः, तो ये सब क्या कौन से शब्द हैं, ये तत्सम भाषा के शब्द हैं। और तत्सम शब्द कौन से होते हैं, जो संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में काम में लिए जाते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं, और उन्हीं शब्दों के अंदर ये विसर्ग काम में लिया जाता है। चंद्रबिंदु जो है ये तद्भव शब्दों में काम में लिया जाता है, और अनुस्वार किसी भी भाषा के शब्दों में काम में लिया जा सकता है। जैसे अनुस्वार जो होता है वो बिंदी का कार्य करता है, आपको मालूम है, मैंने लिखा कंगन। ठीक है, बिंदी, अंगूर, ठीक है, अंग, रंग, तो इन शब्दों के अंदर अनुस्वार लगाया जा रहा है। और अनुस्वार, ये देखो, कंगन कौन सी भाषा का शब्द है, तत्सम शब्द है। ठीक है, बिंदी कौन सी भाषा का शब्द है, बिंदी, बोलिए, बिंदी तद्भव शब्द है। अंगूर, अंग, रंग, अंग कौन सी भाषा का शब्द है, अंग संस्कृत भाषा का तत्सम शब्द है, और रंग जो है वो देशज शब्द है। ठीक है, अंगूर ये विदेशी शब्द है बच्चों, ये हमारा हिंदी का नहीं है, अंगूर जो है ये विदेशी शब्द है, क्योंकि फल और सब्जी का अधिकतर नाम है वो फारसी और उर्दू भाषा से लिए गए। ठीक है,